आज है डे टू जयपुर में। नहाने धोने के बाद हमें लगी थी भूख, फिर हम निकले नाश्ता करने के लिए। हमने खाई कड़ी कचौरी एंड पोहा। पोहा तो यम्मी वॉज यम्मी। अगर आप चाहते हो, अगर आप आओ जयपुर में और आपको कुछ खाना हो, कड़ी कचौरी स्पेशली, तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने इस शॉप में आपको मिल जाएगी। एंड इफ यू आर न्यू ईयर, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज डॉक्टर गरिमा। डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। सो कड़ी कचौड़ी खाने के बाद हम निकले जंतर मंतर की तरफ। बहुत प्यास लगी थी तो फिर मैंने सेवन अप लिया पीने के लिए। बहुत गर्मी थी सच में। और फिर हम निकले हवा महल की तरफ, टिकट ली। आनंद फोली गेट। बहुत ज्यादा भीड़ थे। और ये है जहाँ पे राजा लोग खाना खाते थे, भोजनशाला। और यहाँ पे सब पिक्स क्लिक कराते हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रिनोवेशन का, तो वो चल रहा है। सब पिक्स क्लिक करवा रहे थे। और ये स्ट्रीट व्यू हवा महल से। और ये आमेर फोर्ट दिखता है हवा महल से ही। हवा महल 1799 में बना था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने ये बनाया था। उनके ग्रैंडसन महाराजा सवाई जय सिंह फाउंडर है झुंझुनू के, जो स्टेट है राजस्थान का। उन्होंने ये सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो लोग स्ट्रीट व्यू को एंजॉय कर पाए। और इसमें हवा महल में हर जगह से हवा आती है, लिटरली हर जगह से। इतना ओपन है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फील आती है। और ये कहा जाता है कि हवा महल डेडिकेट किया हुआ है लॉर्ड कृष्णा को। और ये भी बोलते हैं कि इसकी बिल्डिंग जो है ना, कि श्री कृष्ण की मुकुट जो क्राउन है उससे रिजेंबल करती है। और हवा महल के फर्स्ट फ्लोर को शरद मंदिर भी बोला जाता है। और जो टॉप थ्री है, फर्स्ट वन को बोला जाता है विचित्र मंदिर, सेकंड को हवा मंदिर एंड द प्रकाश मंदिर। और हवा महल को डिजाइन किया था लाल चंद उस्ताद जी ने फॉर महाराजा सवाई प्रताप सिंह। और ये है बिहार मंदिर। बहुत सारी मूर्तियां रखी हैं अलग अलग, लाइक मुझे तो याद भी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, लाइक 200, 300, 400, 1600 साल पुराने। और हवा महल में टोटल 953 विंडोज हैं। कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां, स्कल्पचर गैलरी। नाक टूटी हुई है कि एंड
18वीं शताब्दी। एंड दिस इज द गैलरी। और यहाँ मैंने हूटिंग की थी बट वो रिकॉर्डिंग हुई। और फिर हमें लगी थी भूख, हमने खाई पैटी। वो ये स्कूल आया हुआ था एक विजिट करने के लिए हवामहल एज अ टूर। उसमें से एक टीचर मेरे पीछे ही पड़ गई लिटरली। उसके बाद फिर हमने खाए वड़ा और फिर देखी राज मंदिर में मूवी, राज मंदिर। हमने सोचा मूवी ही देख लेते हैं उससे पहले, बट भूख लगी थी तो फिर हमने खाए थे फ्रेंच फ्राइज। इनसाइड व्यू ऑफ राज मंदिर इज जस्ट वाओ, लिटरली वाओ, इतना सुंदर लग रहा था। राज मंदिर जो है बहुत पुराना और फेमस मूवी थिएटर है और ये थर्ड नंबर पे आता है इन द वर्ल्ड। यहाँ पे अमिताभ बच्चन, सी के अडानी, मतलब काफ़ी सबके नाम लिखे हुए थे, सबने विजिट किया है, सबने देखा है यहाँ पे मूवीज़। और आई थिंक जो गदर 2 आई थी तो सनी देओल भी आए थे यहाँ पे। और मैंने एक वीडियो बनाई है लाइट में और एक विदाउट लाइट्स थी, उन्होंने बाद में लाइट्स ऑन की थी। और ये है ऊपर जाते हुए स्लाइडिंग। और खाने पीने का भी है यहाँ पे, यू कैन एंजॉय द फूड। कितना प्यारा लग रहा है, नहीं मुझे तो बहुत सुंदर लगा था, लिटरली वर्थ इट था। मुझे ऐसा लगा था हाँ भाई जयपुर जाना सफल हो गया, सही डिसीजन था राज मंदिर में मूवी देखने का। और हमने देखी थी, क्या नाम मैं भूल गई, मैं मूवीज़ बहुत कम देखती हूँ, क्या नाम था, हाँ तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया ये है आई थिंक, जो शाहरुख खान की, नहीं सॉरी शाहिद कपूर की जो नई मूवी आई है वो है। बट वन टाइम है, अच्छी लगी, रोबोटिक एआई पे है जो, वट एवर। सो इनसाइड व्यू भी काफ़ी अच्छा था राज मंदिर का, ये आप देख सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है सच में, वर्थ इट है देखना। और फिर हम चल दिए घर की ओर, आई मीन रेलवे स्टेशन की ओर। हमने जो टिकट कराई थी पहले कंफर्म नहीं हुई थी तो फिर वो कैंसिल करके न्यू टिकट करवाई। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और हम चले घर की ओर। Do not forget to subscribe the channel. Bye bye. Take care.
स्टडी नहीं हो पाई है, घर जाके स्टडी करेंगे। बाय बाय।